हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम सरफेस टेंशन के ऊपर एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि कंडीशन कौन सी है। सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करने से पहले हम वाटर ड्रॉपलेट या सोप बबल या लिक्विड जेट वाली कंडीशन में से सर्च करते हैं कि कंडीशन कौन सी है। फिर हम देखते हैं कि हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मूला यूज करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है। The pressure outside the droplet of water of diameter 0.04 mm is 10.32 newton per centimeter square, ब्रैकेट में लिखा हुआ एटमोस्फेरिक प्रेशर। इस क्वेश्चन में आपको ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, दैट मीन्स ये वाटर ड्रॉपलेट वाला केस है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको, द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। अगर ये ड्रॉपलेट है तो इसके आउटसाइड कौन सा प्रेशर लगता है, आपको बताया था एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कौन सा लगता है बाहर से, दैट इज पी एटमोस्फेरिक, और वो आपको गिवन है। कितना दे रखा है, 10.32। तो पी एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, 10.32 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 10.32 इंटू 10^4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर है तो 10^-2 का स्क्वायर होगा और वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो फर्स्ट लाइन में क्या है, आपको प्रेशर दे रखा है जो बाहर से लग रहा है, जो पानी की बूंद में बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो दे दिया 10.32। डायमीटर भी बता दिया आपको, डायमीटर भी बता दिया है कितना है लिक्विड ड्रॉपलेट का, 0.4। तो डायमीटर कितना है, 0.04 mm। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.04 इंटू 10^-3 मीटर। ठीक है, ये आ गया आपका डायमीटर। कैलकुलेट द प्रेशर विद इन द ड्रॉपलेट, इसके अंदर प्रेशर क्या है वो आपको बताना है। इफ द सरफेस टेंशन इज गिवन है 0.0725 और आपको सरफेस टेंशन की वैल्यू भी दे दी गई है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। देखिए सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या है, 0.0725 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि आपको प्रेशर विद इन दी, उसके अंदर कितना प्रेशर लग रहा है। देखो अंदर वाला प्रेशर बाहर की तरफ लगता है, बाहर से जो प्रेशर आते हैं कौन सा, एटमोस्फेरिक, और सरफेस टेंशन अंदर से खींचता है। तो आपसे इस क्वेश्चन में PI पूछा हुआ है, तो हमें पता है ड्रॉपलेट के केस में क्या फॉर्मूला होता है हमारा, चेंज इन सॉरी डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, इनसाइड प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 2σ/r। इसको डायमीटर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 4σ/d। तो मुझे क्या निकालना, PI। तो PI क्या हो जाएगा, प्रेशर एट द इनलेट, प्रेशर एट द इनसाइड ऑफ द ड्रॉपलेट क्या हो जाएगा, 4σ/d प्लस पी एटमोस्फेरिक। तो 4σ का मतलब क्या है, 4 × σ, सिग्मा क्या है आपकी, 0.0725 डिवाइडेड बाय, डायमीटर कितना है हमारा, 0.04 × 10^-3। ठीक है, प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर वो कितना है, 10.32। अब इसको आप डेसिमल को हटाओगे तो ये हो जाएगा 10.32। ठीक है, 2 से 2 ये हो जाएगा दिस मच, 10.32000। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका, इसको यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए, 0.01 हो जाएगा यहां पर। तो ये हो जाएगा हमारा 7250 प्लस 1032000। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 504011, इसमें आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अंदर से कितना प्रेशर लग रहा है बाहर की तरफ, मतलब अंदर जो वाटर है वो कितना प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, सरफेस पे, वो लगा रहा 110450 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चन में आपको क्या सबसे पहले पता लगाना होता है कि कंडीशन कौन सी है, लिक्विड ड्रॉपलेट, सोप बबल या लिक्विड जेट। उसके बाद ये देखना है कि प्रेशर कौन सा गिवन है, क्या इनसाइड का दे रखा है या आउटसाइड प्रेशर दे रखा है या प्रेशर डिफरेंस गिवन है, और उसके बाद सीधा आपको फॉर्मूला लगाना होता है, और कुछ नहीं देखना क्वेश्चन में। थैंक यू।